नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज कमोडिटी बाजार कैसा खुलता हुआ नजर आ रहा है, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, जानेंगे उन कमोडिटीज के बारे में जिनके अंदर अच्छा मुनाफा कमा के आज इंट्राडे में चला जा सकता है, और रूपा जी की उन पर क्या राय है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे कमोडिटी बाजार में नॉन एग्री कमोडिटीज में सोने और चांदी से। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि सोना इस वक्त इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट के अंदर $1798 पर कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है और लाल निशान पर है। सिल्वर की बात करें तो $23.9 पर कारोबार करती हुई नज़र आ रही है, आधे फीसदी की गिरावट के साथ। हम देख रहे हैं कि आज सोना और चांदी हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन एक लाल निशान के साथ कारोबार करते हुए खुले हैं। दरअसल बीते सत्र में यूरोपियन सेंट्रल बैंक की बैठक हुई थी, जिसके अंदर ये फैसला लिया गया है कि वो अपनी पॉलिसीज़ में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, जिसकी वजह से सोने चांदी में थोड़ा बहुत उठक पटक का माहौल मिल रहा है। तो आज के कारोबारी सत्र में सोने चांदी में क्या रणनीति बनाकर चलना सही रहेगा जिससे कि मुनाफा कमा के चला जा सके, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीवी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी देख रहे हैं कि बीते सत्र में जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक की जो मीटिंग हुई थी उसमें ये फैसला लिया गया है कि सोने चांदी ये जो पॉलिसीज़ हैं बैंक वो अपनी चेंज नहीं करेगा, वही अपनी पॉलिसीज़ रखेगा पहले वाली। तो ऐसे में आपको क्या लगता है इसका इम्पैक्ट अब सोने चांदी की कीमतों पर कितना देखने को मिल सकता है? देख रहे हैं कि सोना आज $1800 से 3 पॉइंट नीचे लुढ़का है हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन। देखिए, जहाँ तक सोने और चांदी की बात है, सोने और चांदी के अंदर अभी एक रेंज में कारोबार देखने को मिल रहा है। पिछले हम एक हफ्ते से अगर देखें तो बाजार काफी सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल यूएस में इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर काफी बातें कही जा रही हैं और उम्मीद की जा रही है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर अब फोकस किया जा सकता है, जिसका इम्पैक्ट सोने और चांदी की कीमतों पर नेगेटिव आ सकता है। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो अभी फिलहाल हमने यूएस डॉलर में कमजोरी भी आते हुए देखी, जिसके चलते सोने की कीमतों को निचले स्तरों पर सपोर्ट भी आया। और यूएस में जिस तरीके से हमने डेटा को इंक्रीज होते हुए देखा, उसका भी इम्पैक्ट जो है जो मार्केट के ऊपर देखने को मिला। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो सोना और चांदी एक रेंज में है और अभी हाल फिलहाल में ये रेंज जो है वो देखने को ही मिलेगी। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा अभी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। हाँ, त्योहारी सीजन के चलते घरेलू बाजारों में जरूर एक अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। और वहीं विदेशी बाजारों की बात करें तो सोना अभी फिलहाल $1780 से लेकर $1820 के बीच में कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। घरेलू बाजारों की बात करें, वायदा की बात करें तो वायदा में $47,500 से लेकर $48,200 की रेंज फिलहाल आने वाले कुछ दिनों में बनी रह सकती है। तो इसी रेंज के दरमियान है आज इंट्राडे में, नीचे में 47,600 तक सोना एक बार जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर गिरा यहाँ से नहीं तो मुझे लगता है कि हो सकता है आपको 47,800-780 बस इसी रेंज में घूमता हुआ दिखाई दे, क्योंकि बहुत ज्यादा अभी फिलहाल मूवमेंट बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी रूपा जी, देख रहे हैं कि कच्चे तेल भी अब फिसलते हुए नजर आए हैं। WTI $82 पर और ब्रेंट क्रूड ऑयल $83 पर। कहाँ हम इसको $90 के अनुमान लगा रहे थे और अब कहाँ ये $83 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। रूपा जी आपको क्या लग रहा है, जिस हिसाब से कच्चे तेल में कम इन्वेंट्रीज की खबरें आई थी, तो क्या ये सिर्फ महज एक तेजी लाने का तरीका था या फिर एक्चुअल में देखने को मिली थी? देखिए, जो इन्वेंट्री बड़ी थी उसी की वजह से आप देखिए मार्केट के ऊपर एक दबाव बना था और उसके चलते कच्चा तेल ऊपरी स्तरों से फिसलता हुआ दिखाई दिया था और नीचे में $81 के आसपास हमने इसको आते हुए देखा। लेकिन अब आप देखिए वापसी से हम इसको $83 की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है और यहाँ से लग रहा है कि सोना एक बार कच्चा तेल जो है एक बार बाउंस बैक लेता हुआ दिखाई दे सकता है और एक तेजी की तरफ मार्केट आ सकता है। और यहीं से ही जो डिमांड है, देखिए डिमांड तो ऑलरेडी मार्केट में पहले ही बनी हुई है। पिछले दो हफ्ते में हमने इसमें अच्छी खासी रैली आती हुई देखी और दो तीन दिन हमने इसके अंदर गिरावट भी देखी। लेकिन अब एक बार फिर से जो कच्चा तेल है वो अब पिकअप लेता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर मुझे लगता है कि जल्द ही जो $85 है वो WTI छुएगा और ब्रेंट भी जो है $86 से $88 तक ऊपर जा सकता है। यानी कि जो हम $90 की बात कर रहे थे वो टारगेट अभी भी मार्केट के अंदर है और मुझे लगता है कि वो लेवल्स अचीवेबल हैं। और यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 6,350 तक एक बार कच्चा तेल ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मेरे हिसाब से निचले स्तरों पर खरीदारी की तरफ ही कच्चे तेल में बने रहना चाहिए, जो भी गिरावट आती है उसके अंदर खरीदारी करनी चाहिए। ये न्यूज बेस था, जो इन्वेंट्रीज बढ़कर के आई उसका इम्पैक्ट हमने आते हुए देखा, लेकिन अब वो जो खबर है वो एक बार मार्केट में कैश हो चुकी है। अब उसके बाद वापस से वही ट्रेंड है, डिमांड एक बार तेज है और सप्लाई कम है, इसी वजह से कीमतें तेज जाते हुए दिखाई दे रही है।
जी रूपा जी, देख रहे हैं आज बेस मेटल्स भी कुछ नरमी के साथ ही कारोबार कर रहे हैं हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन। आपको क्या लग रहा है, जिस हिसाब से बेस मेटल्स में पॉजिटिव आउटलुक है, फंडामेंटल्स मजबूत हैं, तो क्या बेस मेटल्स में एक बार फिर से खरीदारी देखने को मिल पाएगी और क्या ये लाल रंग हरे निशान में तब्दील होता हुआ नजर आ पाएगा? देखिए बिल्कुल बेस मेटल्स भी पॉजिटिव हैं और अभी जो है बेस मेटल्स के अंदर भी एक बार गिरावट के बाद फिर से खरीदारी आज निचले स्तरों पर काफी हमने देखी भी है। अभी भी लेकिन लाल रंग के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उम्मीद है कि यहाँ से तेजी बनेगी। और आप देखिए जो कॉपर है वो काफी नीचे लुढ़क चुका था, अब 751 पर फिर से पहुंच गया, तो मुझे लगता है 780 तक कॉपर एक बार फिर से जाएगा। तो बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रखी है, एल्यूमिनियम में भी तेजी बनती हुई दिखाई देगी और निकल जो 1500 के घरों में कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है वो जल्दी 1560 से लेकर 1600 के स्तर फिर से एक बार छूता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं जिंक की बात करें तो जिंक भी मुझे लगता है कि एक बार वापस से 300 के ऊपर जाती हुई दिखाई दे सकती है आने वाले कुछ समय में, लेकिन फिलहाल के लिए 286-288 के टारगेट जिंक में भी दिखाई दे सकते हैं। तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी बेस मेटल्स में लेकर चलना चाहिए। जी जी सर, रूपा जी बात करें अगर नेचुरल गैस की, तो नेचुरल अभी इंडिया में अभी जो ताज़ा मौसम वैज्ञानिकों का पूर्वानुमान है वो ये है कि इस बार भारत के अंदर कड़ाके की ठंड पड़ सकती है, पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा ठंड रह सकती है इस बार, और विदेशों में भी हम देखते हैं कि हर साल ठंड बढ़ती ही जाती है। तो आपको क्या लग रहा है, ऐसे में नेचुरल गैस की जो डिमांड है वो थोड़ी कम रहेगी या फिर ज़्यादा देखने को मिलेगी जिससे कीमतों में तेजी आएगी? देखिए थोड़ा बहुत सपोर्ट जो है नेचुरल गैस की कीमतों को मिलता हुआ दिखाई दे सकता है इसका, और आगे डिमांड जो है उसके ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा और डिमांड के साथ साथ स्टॉक कैसा रहता है इसके ऊपर भी देखना होगा कि आगे इन्वेंट्रीज कैसे निकल कर आती हैं। लेकिन अभी जो स्ट्रेंथ है वो इसके अंदर डिमांड पिकअप होता हुआ दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से कीमतें सपोर्ट लेती हुई दिखाई दे रही हैं, तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल तेजी की तरफ मार्केट जा सकता है, छुटमुट खरीदारी इसके अंदर देखने को मिल सकती है, तो फिलहाल बाइंग करके चला जा सकता है। जी रूपा जी, आपकी तरफ से नॉन एग्री कमोडिटीज में टॉपिक्स क्या रहेंगे जिनमें आज इंट्राडे में अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है और आने वाले कारोबारी सप्ताह में भी वो अच्छा मुनाफा देती हुई नजर आ सकती है? देखिए मुझे लगता है कि अगर नॉन एग्री कमोडिटीज की बात करें तो फिलहाल कच्चा तेल और बेस मेटल्स, ये दोनों मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं जिनके अंदर मूवमेंट एक्सपेक्टेड है कि देखने को मिल सकती है। तो कच्चा तेल के अंदर बाय किया जा सकता है 6320 तक के टारगेट के लिए, और वहीं बेस मेटल्स के अंदर भी बाय करके चल सकते हैं। कॉपर 760 से 770 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, तो बेस मेटल्स और कच्चा तेल इन दोनों में बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी लेकर चलना चाहिए। जी तो ये तो बात कर दी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज की, फिलहाल सिलसिला बाजार का मैं बस इतना ही, लेकिन आपका एंजॉय करें क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यही बना रहेगा मार्केट एमसीबी पर।